हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नो हमारे मगर इसी फोन मगर यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों का ASUS ZenFone Max Pro M2 का एक FAQ वीडियो। हाँ गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं और आपको इस वीडियो में पूरे आंसर देने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को लो सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो, और जरूर से वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो, मैं पहले बता दूं। और चलिए गाइस, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ASUS ZenFone Max Pro M2 के बारे में कि कैसा फोन है और कैसा नहीं। ऐसे क्यों वीडियो मान चालू करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं। वैसे भी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फोन है ये 18 तारीख को आप लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव मिलने वाला है और आप लोगों को जिसके प्राइस है वो 13,000, 15,000 और 17,000 रुपये मिल जाती है। 3 GB रैम हो तो 32 GB, 4 GB रैम हो 64 GB और 6 GB रैम और 64 GB वाला वेरियंट, 3 वेरियंट आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। फ्रंट चले यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है इसके बारे में पूछूँ, जब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और फ्रंट कैमरा में जो आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड मिलता है कि नहीं भाई बताओ हमें ज़रूर। तो यार अभी तो सैडली आप लोगों को नहीं मिलता है, बट हाँ वो जो ASUS ने हमें क्लेम किया है कि बहुत जल्दी अपडेट देंगे कि हम आपको जो पोर्ट्रेट मोड है वो जल्दी से दे देंगे। जो इसका फ्रंट कैमरा वो 30 MP का 2.0 के साथ आता है, इसमें आप लोगों को अभी पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है भाई। बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एलईडी लाइट की, थी यार बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन एलईडी लाइट नहीं देते जिसमें नॉच होता है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को एलईडी लाइट मिल जाती है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात। एलईडी फ्लैश भी मिल जाती है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूँ रैम टाइप के बारे में, कौन सी रैम टाइप है, तो उसमें बता दूं मैं आप लोगों को, रैम जो है वो DDR4 की रैम है, तो आई थिंक ये भी बहुत ही अच्छी बात है, वीवो ओप्पो जैसा काम नहीं किया है लोगों ने। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूँ, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे क्या भाई हम इसमें जो नॉच होती है उसको हाइड कर सकते हैं, तो अभी तो सैडली नहीं कर सकते हो, शायद इसका अपडेट आए तो और आप फिक्स हो जाए, बट अभी तो सैडली आप नहीं कर सकते हाइड इसको, इसकी नॉच तो आपको हमेशा इसको नॉच रखनी पड़ेगा अभी, वैसे इतनी बड़ी नहीं है बट सही नॉच है। ये चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूँ, वो क्वेश्चन है कि डुअल 4G वोल्टी आपको उसमें मिलता है कि नहीं। हाँ गाइस, इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी मिल जाता है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी। अभी सही मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बोल रहे थे ASUS ZenFone Max Pro M1 जो था उसमें आप लोगों को 5 magnet स्पीकर जो बहुत अच्छा स्पीकर आता था वो मिलता था, तो यहाँ पे क्या आप लोगों को मिलता है? हाँ गाइस, यहाँ पे भी आप लोगों को ये जो स्पीकर है दे दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। वैसे यहाँ पे चलिए मैं बात करता हूँ सेकेंड जो अलग अगली बार जो इसका है वो है एक्सपेंडेबल, केस में आप लोगों को कितना मिल जाता है, हम कितना स्टोरेज इसको एक्सपांड कर सकते हैं, तो बोला जा रहा है कि इसमें आप लोगों को 2 TB तक आप एक्सपांड कर सकते हो। अभी तो इंडिया में 2 TB लॉन्च भी नहीं और चाइना में मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं, बट हाँ यहाँ पे आप लोगों को 2 TB नहीं मिलता, तो आप समझ लो कि 512 GB भी आप करते हो तो आराम से सपोर्ट हो जाएगा, और 256 भी करते हो तो आराम से हो जाएगा, डेफिनेटली बहुत ही सही बात है। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूँ, वो है नेटिव वीडियो कॉलिंग, जो आप लोगों को पता है, जिन जिनको नहीं पता, जो हम डायलर में हम लोग जो वीडियो कॉल करते हैं वो वाला जो होता है सिस्टम, बिना नेट के, बिना व्हाट्सएप ये सब छोड़कर, तो उसे आप लोग स्ट्रॉन्गली नहीं मिलता है, सैडली नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों नहीं मिलता है, पता नहीं अपडेट के साथ आ जाए शायद, अभी तो आप लोगों को उसमें देखने नहीं मिलता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि क्या इसमें आप लोग OTG सपोर्टेड मिलता है। हाँ गाइस, इसमें आप लोगों को OTG सपोर्टेड मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही बात है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पे एंड्रॉयड पाई का अपडेट कब आएगा, क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है आपको जो बहुत ही पसंद है, तो एंड्रॉयड पाई जो है यार ये खुद मैंने पूरा जो देखा था लोग का जो इवेंट हुआ था, तो मैं बता दूँ जो ASUS ने हमें यहाँ पे बोला है कि जनवरी 2019 में आप लोगों को इसका जो है अपडेट मिल जाएगा, मतलब चलिए एक है आप 20-25 दिन बचे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है, तो अब एंड्रॉयड पाई का अपडेट आप अब ASUS ने बोल दिया तो सही बात है। फिर चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसमें क्या आप लोगों को 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, क्या EIS मिलता है, तो फिर मैं आपको बता दूँ जो EIS वो है बस 1080p के लिए तक है, और आपको जो 4K वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो उसमें आप लोगों को EIS नहीं मिलने वाला है, तो ये मुझे बात पता नहीं क्या एकदम हजम नहीं हुई, पता नहीं क्या किया है भी, बट ठीक है दोनों साथ में दे सकते हो तो अच्छा रहता, मगर हाँ आप 4K रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको EIS नहीं मिलेगा, 1080p तक करते हो तो EIS आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे चलिए लास्ट फॉल, जो मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या भाई ये वैल्यू प्रोवाइड करता है, वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है, डेफिनेटली गाइस वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है, मुझे जो है मैं अपने स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँ तो 15,000 रुपये वाला ब्रांड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, जो 14,000 में होता तो अलग मज़ा आती थी, मगर इसमें बस एक जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई वो था फास्ट चार्जिंग होता तो बहुत ही बढ़िया फ़ोन होता, बट हाँ चलिए, तो यही कुछ रीजन मतलब कुछ यही क्वेश्चन है आप लोगों के जो मैंने आंसर दे दिए। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसी हर फोन का जो है FAQ वीडियो, रीज़न टू नॉट बाय, रीज़न टू बाय, ऐसा वीडियो बस लाता ही रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पसंद आता है तो मैं लाते रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि यार क्या है इसमें, क्या ये है कि नहीं, क्योंकि अभी तो सब यूट्यूबर जो है वो बना रहे हैं बट ओवरऑल दिखा के खत्म कर देते हैं, बट यहाँ पे हम अपने जो यूट्यूबर्स हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा जो है पूरा ऐसे वीडियो लेके आ जाते हैं। तो वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कर देना और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, लाल बटन नीचे ही है, और मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जरूर से लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।